आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। देश के स्वाधीनता आंदोलन के नायकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। नेताजी की जीवनी पर कठोर त्याग आज के युवाओं के लिए बेहद ही प्रेरणादायक है। नेताजी का जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। उन्होंने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वो आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उन्हें नमन किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि नेताजी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। देश की आजादी में उनके योगदान को याद करते हुए महंत नरेंद्र गिरी ने देश की युवा पीढ़ी से अपील की है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें। महंत नरेंद्र गिरी ने युवाओं से कहा कि देश की रक्षा और स्वाभिमान के लिए युवा पीढ़ी कुछ ऐसा करे कि लोग उसे याद रखें। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसला का भी स्वागत किया है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उनको सभी संत समाज नमन करता है। नेताजी ने सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पण किया। हम सभी संत समाज हमारे भारतवर्ष के युवाओं से ही निवेदन करते हैं कि आप सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए हुए मार्ग पर पदचिन्हों पर चलिए और देश की रक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए ऐसा कुछ कर जाइए आप लोग कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा हम लोग आपको याद रखें। एक बार पुनः अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से एवं संत समाज की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सत सत नमन। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने नमन किया। जन्मदिन मना रही है, इसके पहले इस ढंग से नहीं मनाती थी। देखिए, टीएमसी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, चूँकि आज नेताजी की जन्म जयंती है। टीएमसी ना तो स्वामी विवेकानंद जी को मानती थी, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को मानती थी, और ना पश्चिम बंगाल, चूँकि महापुरुषों की धरती है, वहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी वहीं पर जन्मे थे, वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्मस्थान है, वहीं विद्यासागर राय जी का जन्मस्थान है। मतलब वह भूमि एकदम ऐसी भूमि है कि जहां एक तरह से महापुरुषों की श्रृंखला है, और टीएमसी का चरित्र केवल गुंडागर्दी, अराजकता, अत्याचार, फर्जी मुकदमे में फंसाना, जेल भेजना ये रहा है। लेकिन आज मैं राजनीतिक बातें कम करना चाहता हूँ। या आज अगर वह नेताजी की जन्म जयंती पर कोई कार्यक्रम कर रही हैं तो शुद्ध रूप से वह राजनीति कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है शुद्ध उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति जो आदर और श्रद्धा और सम्मान का भाव है, पराक्रम दिवस के रूप में उसे मनाया जा रहा है। भाजपा की ओर से कोई राजनीति नहीं। पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम बहुत ही गौरवपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है, और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर इसे केंद्र सरकार के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज के दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया है। और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती और पराक्रम दिवस के अवसर पर सभी प्रयागराज, सभी उत्तर प्रदेश वासियों, सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूं और आह्वान करता हूं कि जो नेताजी ने अंग्रेज़ों की पराधीनता से देश को मुक्त कराने के लिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो जब कुछ पाना होता है तो कुछ उसके बदले देना होता है। और आज हम सब के लिए आज भी उसी प्रकार से ऊर्जा और प्रेरणा का अगर स्रोत कहीं से मिलता है तो वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से मिलता है। किस प्रकार से उन्होंने देश के लिए अपना योगदान किया, किस प्रकार से अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया, किस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और किस प्रकार से देश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगातार उनको आदर और सम्मान देने का काम कर रहा है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम कर रहा है। और आज का दिन हिंदुस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। धन्यवाद।